पिछले टर्म में प्रीवियस टर्म में आगे वाले टर्म से एक एक कम है, ये वन है ये टू है, ये टू माइनस वन वन आया है। अगर ये के प्लस वन होगा यहां पर क्या होगा, ये के होगा, यहां पर क्या होगा, ये के होगा, ऐसे ऐसे कम होगा के माइनस वन के माइनस टू। तो हमें सारा नेगेटिव है, हमें क्या करना है, यहां पर देखिए एन इक्वल टू जिस मैंने टेन लिखा था, टेन के पहले जो मैंने यहां लिखा हुआ है वो कौन सा टर्म लिखा हुआ है, ये वाला एन इक्वल टू नाइन वाला। इसका मतलब अगर आपने यहां पर के प्लस वन लिखा हुआ है, इसके पहले कौन सा टर्म लिखा जाएगा, ये जो सेकेंड वाला है, एक्स केस है, सबसे मेन रोल ही मैंने बताया था, सबसे मेन रोल इसी का है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का है। अगर आपने के प्लस वन लिखा है इसके पहले क्या लिखेंगे, वही लिख दीजिए जो केस नंबर टू में है। देखिए के हो गया प्लस यहाँ ये वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या हो गया के, के प्लस वन, के हो गया के प्लस वन हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर एक चीज देखिए, ये तो हो गया है, अब यहां पर करना क्या है, अब इसका सब हमें नहीं निकालना है। यहां पर देखिए, यहां पर सेम टू सेम एग्जांपल में आप देखते जाएंगे बहुत क्लियर हो जाएगा आपका। यहां पर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एट प्लस नाइन को क्या मैंने ऐड किया है, नहीं ना, इसकी वैल्यू मैंने कहां से ली है, यहां से। तो क्या मैं यहां से यहां तक को इसको ऐड करूंगा, नहीं, इसकी वैल्यू मैं कहां से लूंगा, यहां से लूंगा। इसकी वैल्यू क्या पुट करूंगा, के के प्लस वन अपॉन टू लिखेंगे यहां पर, के हो गया आपका लिखिए यहां पर के के प्लस वन अपॉन टू, और आगे इसके क्या है, प्लस के प्लस वन। अब यहां पर चीज ध्यान दीजिए, पीएमआई से सॉल्व करिएगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जब लास्ट स्टेज में आइएगा तो कभी आप जो है कैलकुलेशन मत करने लगिएगा इसका। बहुत से लोग होते हैं क्या करते हैं, इसको ऐसे करेंगे के स्क्वायर प्लस के अपॉन थ्री प्लस के प्लस वन इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के, इसको यहां करेंगे प्लस थ्री के प्लस थ्री अपॉन थ्री। परेशान हो जाओगे इसी में, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। कभी भी इस तरह से मत करिएगा, इसको ब्रेक मत करिएगा, ब्रेक करके इसको अंदर और जा क्वेश्चंस को और कॉम्प्लिकेटेड आप बना दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। तो करना क्या है, फिर करना ये है, इसमें आपको जो भी कॉमन टर्म होंगे उसको पहले आप बाहर निकाल दीजिएगा, खींच लीजिएगा उसको। यहाँ पर देखिए के प्लस वन, के प्लस वन दोनों साइड में है, मैंने के प्लस वन को क्या किया, मैंने यहां से बाहर निकाल दिया मैंने के प्लस वन को। अब यहां पर बचा क्या, ये के बचा के बाई टू प्लस यहां कितना बचा है, वन बचा, ये वन। अब यहां पर देखिए सिंपल, यहां लिखिए बात, अब यहां सॉल्व करिए इसको, कितना आया के प्लस वन और ये कितना आया के प्लस टू अपॉन टू। अगर देखिए मैंने कहा था ना एन इक्वल्स टू के प्लस वन, अगर आपने पुट किया तो क्या ये, यहां पर देखिए ये राइट हैंड साइड का जो आया के प्लस वन के प्लस टू अपॉन टू, और जो यहां पर अभी आपने ये चीजें सॉल्व की है दोनों इक्वल आ गए, नहीं इक्वल आ गए तो लिखा जाता है हेंस पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, एग्जाम में ऐसे लिखा जाएगा, राइट। एग्जाम में जब भी आएगा इस तरह से लिखिएगा, चाहे आप के सुना भी लिखिएगा, एन इक्वल्स टू वन, एन इक्वल्स टू के, एन इक्वल्स टू के प्लस वन, किसी किसी ग्रुप में एन इक्वल्स टू एम, एन इक्वल्स टू एम प्लस वन ऐसे भी लिया गया है। अब ये नहीं कि आप डर जाइए, यहाँ पे एम लिया गया है, यहाँ के लिए वेरिएबल आप चाहे जो लीजिए आपकी मर्जी है, सिंप्लीफाई करना है आपको, आपको दिखाना है। अगर इस क्वेश्चन में सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करने पर और के प्लस वन को आप अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते, इसका मतलब हो गया आपको ये समझना है कि आप केस नंबर टू में जो भी एजम्पशन आपने यहां पर लिया है ये एजम्पशन आपका रॉन्ग है, गलत, बिल्कुल गलत, तभी आपका बराबर नहीं आया है, नहीं अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे कहने मतलब समझ आया, पहले आप एन
के लिए सॉल्व करेंगे, n इक्वल टू फिर क्या के लिए सॉल्व करेंगे, k प्लस 1 के लिए सॉल्व करेंगे। और k प्लस 1 जब सॉल्व करिएगा तो यहां पर देखिएगा, यहां k प्लस 1 लिखिएगा, इसके प्रीवियस जो पीछे का टर्म होगा यहां पर देखिए वो सेकंड टर्म का ही लिखेंगे हम, सेकंड टर्म से ही पूरा लिया गया है। और इसका सम मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसका सम क्या करूंगा मैं सेकंड जो है सेकंड केस के सेकंड से इसके सम आपने यहां लिखा है, इसका सम कितना है k k प्लस 1 अपॉन 2, इस सम को मैंने डायरेक्ट यहां पर पुट कर दिया है। पुट करने के बाद उसको सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई मैंने आपको फिर एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं कि इसको जो है सॉल्व मत करिएगा, कॉमन चीज जो है उसको बाहर निकाल लीजिएगा, सिंपलीफाई करिएगा, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। अगर आप उसी में सिंपलीफाई करने चक्कर पड़ गए तो आप फंस जाएंगे। k प्लस 1 मैंने बाहर निकाल दिया, k बाय 2 प्लस 1 आया, इसको सिंपलीफाई किया लेकर आया। फिर मैंने क्या किया, n इक्वल्स टू k प्लस 1 यहां चेक करके देखा क्या इतना आता है, k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 क्या इसके बराबर आता है। तो मैंने क्या किया, आप रफ में चेक कर लीजिएगा, कहीं चेक कर लीजिएगा, ठीक चेक करके देखेंगे, अगर दोनों बराबर आता है तो हम लिख देंगे यस दिस इज आल्सो ट्रू, n इक्वल्स टू k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, लिखा जाएगा p k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन कोई डाउट होगा आप लोग बिल्कुल कंफर्म बताइएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक इंडक्शन का पहला हो गया, ये सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर्स का हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 एक एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूं, आप करके आइएगा इसको, नहीं तो कल मैं जब आऊंगा क्वेश्चंस जो आपके आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लास्ट के जो 4-5 क्वेश्चंस हैं उसको मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, ठीक। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप सब, इसको सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स का सम ऑफ द दिख रहा है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, pn इक्वल्स टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहां पर कितना हो गया ये आपके लास्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।